दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सजीव भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन थर्सडे का और आज डेट है 14 मार्च 2024। दोस्तों टाइम हो रहा है 8:49 रात के और मैं पहुँच गया हूँ द्वारका सेक्टर 3, रेड लाइट पे हूँ। जस्ट अभी यू टर्न लिया है तो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा पहले बत्ती पे हूँ, बत्ती से क्या है कि पहले इसको क्रॉस कर लूँ क्योंकि लाइट पे लगे हुए हैं कैमरे स्पीड के और जरा सी भी 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हुए और आपका 500 का चलान घर आपके नाम पे कट जाएगा। तो मतलब आप पूरे दिन इतनी मेहनत करते हो दोस्तों और एक जरा सी लापरवाही से आपका चलान हो जाता है। कई बार दोस्तों बहुत चालाकियां करते हैं पुलिस वाले, मैं बता दूँ चालाकियां ऐसी ऐसी होती हैं कि मतलब जिसकी कोई वो नहीं है। हमें देखिए, जब हम रेड लाइट पे खड़े होते हैं तो रेड लाइट पे मोस्टली जब 0 सेकंड हो जाता है, ठीक है, 0 सेकंड के बाद हम लोगों को लगता है कि यार तुरंत ग्रीन ही होगी और ग्रीन होते ही हम निकल लेंगे, तो हमारा एक्सेलेटर पे पैर मतलब पड़ जाता है और तुरंत गाड़ी आगे हो जाती है। तो दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, जब तक आपको लाइट ग्रीन ना दिखे तब तक आपको गाड़ी को आगे बढ़ाना नहीं है अगर वहां पर कैमरे लग रहे हैं तो, क्योंकि आजकल ये अभी मार्च का मंथ ऑफ वो है एंड मतलब साल का इनका जो है, तो अभी इनको टारगेट मिले हुए हैं, अभी धड़ाधड़ चलान करेंगे और अभी चालाकी क्या कर रहे हैं, चालाकी यही कर रहे हैं कि अगर आप रेड लाइट पे हो, ठीक है, रेड लाइट पे आपने गाड़ी बढ़ा दी 0 सेकंड होते ही और इन्होंने 4-5 सेकंड के लिए रोक दी, रेड पे ही रही और वहां कैमरे लग रहे हैं और आपका टायर जेब्रा क्रॉसिंग पे आ गया, तो दोस्तों आपका कट गया पत्ता 500 का। तो ये टेक्निक मैंने इस बारे में पहले भी बताया था, मेरा खुद एक चलान ऐसी ही आ रखा है, ठीक है, ग्रीन हो रही थी लाइट और 0 सेकंड हो गया था, उसके बाद ग्रीन ही होती, बंदे ने 5-6 सेकंड रोक दी, तो मैं समझ गया था ये बंदा मतलब इसको मॉनिटर कर रहा है और इसको चलान करने। तो मेरे साथ एक व्हाइट टेम्पो था, छोटा हाथी जिसे बोलते हैं, उसका और मेरा दोनों का चलान हुआ दोस्तों। मेरे तो ऑनलाइन मैंने चेक किया था 2 दिन बाद ही, तो मुझे पता चल गया था ऐसा चलान है। तो अगर आप भी रेड लाइट्स पर दोस्तों निकलते हो ना तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, जल्दबाजी किसी भी चीज की नहीं है, 2 मिनट लेट पहुंच जाएंगे वो बेटर है। 500-1000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होता है दोस्तों। देखिए हालांकि ये चलान लोक अदालत में मतलब डिलीट भी हो जाते हैं और 10% पे करके हम इसका, बट हम 10% भी क्यों पे करें, दूसरे की गलती हम अपने सर क्यों ले और 10% के लिए लोक अदालत के धक्के क्यों खाए। तो ये चीज दोस्तों आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, जो नए ड्राइवर भाई हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि भैया ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ट्रैफिक वाले बहुत ज्यादा चालाकियां करते हैं, इनको अपना टारगेट पूरा करना होता है, तो टारगेट के चक्कर में भाई कुछ भी करेगा वही हिसाब किताब है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के पूरे कंप्लीट रखो, A to Z चीजें मोस्टली देखिए, चीजें की चेक क्या होती है, पॉल्यूशन इंश्योरेंस फिटनेस परमिट, पॉल्यूशन और इंश्योरेंस, ये दोनों चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत रखिए, या तो अपने जो आपकी फाइल है उस पर एक नोटबुक में लिख के रखिए कि भाई ये डॉक्यूमेंट इस तारीख को एक्सपायर है, या फिर फोन में अलार्म लगा लीजिए भाई इस डेट को ये अलार्म बचेगा, ठीक है, मुझे पॉल्यूशन कराना है, क्योंकि पॉल्यूशन का और इंश्योरेंस का दोनों का आपको पता है तगड़ा चलान है, 10,000 तक का चलान है, तो 10,000 इतने तो कमाने में हमें मतलब 10-15 दिन लग जाएंगे जितने में हमारा फाइन भरने की वो हो जाएगी। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था मैं, आज जल्दी निकल गया था और जल्दी निकला था मैं तकरीबन 6:30 बजे, 6:30 निकल के पहले सीएनजी फिल करवा के फिर मैं मतलब 7:15 मेरे को पहली ट्रिप मिली थी, तो आज पहली ट्रिप मुझे मिल गई थी आपकी सीधा गुड़गांव, और नहीं सॉरी, पहली ट्रिप मुझे मिली थी आपका एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट से मैं वापस आया था उत्तम नगर से मुझे मिली थी गुड़गांव, तो गुड़गांव से फिर मुझे मिल गई थी वापसी आपका इधर सफदरजंग रेलवे स्टेशन साइड की, फिर वहां से ट्रिप तो करी है दोस्तों, मतलब ठीक हो गया है काम भी, और अभी जो लास्ट ड्रॉप में लेकर आया था वो मैं लेकर आया था इधर से आपका वसंत गुंज से। तो आज देखिए ऊबर में क्या है कि ये एक चीज तो आपको मानने होगी कि आप जो चीज सोच के चलोगे ना वो चीज होगी नहीं, आप मुझे राइड्स मिल रही थी, ठीक है, राइड्स मिल रही थी अच्छे रेट होगी, ठीक है, बट सिर्फ
यूपी साइड की टिप्स मुझे दिए जा रहे हैं और यूपी साइड की टिप्स में दोस्तों बिल्कुल भी रेट नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको और दिल्ली में आप चलाओगे, आपको पता है देखिए जो टिप्स का टाइमिंग है, मतलब अच्छे रेटों का टाइमिंग है 5 से 8 के बीच का टाइमिंग है, 5 बजे से 8 बजे के बीच में रेट थोड़ा सा इम्प्रूव होता है और पीक टाइम होता है, उसमें हमें हक भी बनता है हमारा कि हमें उसमें रेट बढ़ के मिले। तो ये क्या कर रहा है कि दोस्तों सिर्फ जो गुड़गांव की राइड्स हैं और आपका दिल्ली की राइड्स हैं उन पे तो आपको अच्छा फेयर मिलेगा, जिस राइड में इसको टोल देना पड़ रहा है पर ट्रिप पे, जैसे कि यूपी साइड की ट्रिप्स हैं उसमें दोस्तों किलोमीटर के हिसाब से आपका जितना, जैसे अगर 20 किलोमीटर है तो उसका 190 फेयर मिलेगा, 190 में से वो काटेगा आपका 5%, 10 रुपये, और 170 काटेगा, 170 में 120 का टोल ये प्लस करेगा। तो मतलब जो फेयर हमें बढ़ के मिलना चाहिए था, जबकि 20 किलोमीटर में हमें कम से कम 300 रुपये मिलने चाहिए थे और 120 का टोल मिलना चाहिए था, वो यूपी की ट्रिप्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो शाम के टाइम मैं तो, मेरे पास लाजपत नगर में था, मैं 5-6 ट्रिप्स मेरे पास यूपी की आ रही थी बिना लोकेशन सेट किए, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लिए और सोचा था गुड़गांव की मिल जाएगी, बट गुड़गांव भी नहीं मिली। और वही चीज है कि जब आप सोचोगे कुछ और तो होता कुछ और है, जब नहीं सोचोगे तब हो जाता वो ये जो हमने कुछ दिन पहले सोचा था। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। तो दोस्तों आज हम उबर के बारे में बात करेंगे और उबर का एक अपडेट आ गया है और अपडेट 2 दिन पहले आ गया था, हालांकि मैं कल के ब्लॉग में नहीं बता पाया है क्योंकि एक उसमें एक ही टॉपिक दोस्तों छिड़ पाता है। ठीक है, तो कोशिश यही करता हूँ डेली कुछ ना कुछ अपडेट जो आता है उबर से रिगार्डिंग वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों हम उबर में ड्राइव करते हैं तो उबर में हमें एक 2 डेस्टिनेशन मिलती है। ठीक है, डेस्टिनेशन गो होम डेस्टिनेशन जिसे बोलते हैं, उसमें भी काफी चालाकी ये कर रहा है, उसमें ये कर रहा है कि आपकी अगर ऑलरेडी आपने जो डेस्टिनेशन डाली है उस पर आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो वो डेस्टिनेशन लगती नहीं है। ठीक है, अब आपको डेस्टिनेशन अगर लगानी है, आपकी 2 डेस्टिनेशन पड़ी है तो आपको मैन्युअल ही टाइप करना पड़ेगा, जहां पर सर्च का ऑप्शन है एक मिरर सा गोल सा बन रहा होगा। ठीक है, उस पर आप क्लिक करोगे आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा, जैसे आपको जाना है हॉज खास, तो HAUZ हॉज खास जब लिखा हो जाएगा नीचे तब उस पर आपको क्लिक करना है। तब भी दोस्तों आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, जो चीज है अगर आपकी लोकेशन नहीं लग रही होगी तो आपका जो नेविगेशन है ना वो नेविगेशन के नीचे एक एडिट का ऑप्शन है, अगर एडिट का ऑप्शन हाइड आपको मिल रहा है तो आप समझ लो आपकी लोकेशन नहीं लग रही, अगर एडिट का ऑप्शन अनहाइड है मतलब विजिबल हो कर रहा है तो आपकी वो लोकेशन लग गई है। तो लोकेशन लगाने में चालाकी है। ठीक है, अब एक नई चालाकी और मतलब इसने अपग्रेड कर दी है, वो चालाकी क्या है मैं बताया था। देखिए दोस्तों जब हम डेस्टिनेशन डालते थे तो हमें मतलब उबर हमेशा गो होम की डेस्टिनेशन आपको डायरेक्ट तो पहुंचाता नहीं था, कभी कभार बाय लक हो जाता था कि डायरेक्ट ये पहुंचा देता था, सिर्फ ओला ही था एक सटीक लोकेशन पे डालता था, कभी कभी तो मेरे घर के पास ही मैं ड्रॉप करता था ओला में। ठीक है, उबर में ऐसा नहीं हुआ, उबर में टुकड़ों में भाई जाना हमें गुड़गांव में है तो गुड़गांव से पहुंचा रहा पीतमपुरा रोहिणी, ठीक है इधर लाजपत नगर की दे देगा, मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड बुकिंग जो होती है, डेस्टिनेशन की बुकिंग्स तो मिलती नहीं थी। अब इसने क्या किया है दोस्तों, ड्राइवर काफी परेशान थे, अब इसने एक ऑप्शन डाल दिया है कि अगर आपकी डेस्टिनेशन सेट है उसके बावजूद भी आपको आपकी डेस्टिनेशन के अलावा की बुकिंग दी जाएगी। तो क्या है वो बुकिंग है? मैं दिखाया था यहाँ पर, आप देख लीजिए, इस टाइप से आपके रेडार के ऑप्शन में आएगी कि आउटसाइड बुकिंग। ठीक है, आप अपने डेस्टिनेशन लगा रखी है, अब इसमें भी आपको आउटसाइड की बुकिंग दिखा रहा है, अब जब हमें जाना अपने घर की लोकेशन पे तो आउटसाइड बुकिंग दिखाने का क्या मतलब है? तो इसमें दोस्तों वही है कि कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात वही है, इसी चीज को इसने पहले घुमा फिरा के डेस्टिनेशन में ही करता था, अब इसने अलग से आउटसाइड बुकिंग के नाम पे मतलब आपको ये देना स्टार्ट कर दिया है। तो सभी भाइयों के उसमें रडार में आ रहा होगा, हालांकि इसमें थोड़ा कुछ भाइयों का फायदा भी है जो लंबी ट्रिप्स के खिलाड़ी हैं, उनके लिए बेनिफिट है कि सडनली उन्होंने घर जाना है घर की लोकेशन के और एकदम से सर्च में उनकी कोई दूसरी लोकेशन की लंबी राइड मिल गई तो उसको उठा लेंगे, तो ये थोड़ा सा एक बेनिफिट है। बाकी डेस्टिनेशन में अभी तक इम्प्रूव नहीं हुआ है कोई खास, कभी कभार होती है डायरेक्टली मिल जाती है बट ये टुकड़ों में ही पहुंचाता है आपको, तो इसीलिए हम भी अपना मार्जिन लेके चलते हैं, जब भी हम लोकेशन डालते हैं तो 2 घंटे 1 घंटे पहले हम
जहाँ भी होते हैं वहाँ से लोकेशन डालते हैं, क्योंकि हमें पता है ये हमें टुकड़ों में पहुँचाएगा और डायरेक्ट कभी घर भेजने की कोशिश ही नहीं करेगा, या तो रास्ते में ही मतलब जो आपकी डेस्टिनेशन है उसको ऑफ कर देता है। ये खासकर तभी करता है जब जिस लोकेशन पे सर्ज लगा होगा ना, वहाँ पे 2-3 बुकिंग के बाद ही आपकी मतलब बंद ही कर देगा कि भाई लोकेशन बंद हो गई, अब दोबारा से ऑन करो उसको। तो ऑन करेंगे तो लोकेशन हट जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। और आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1913 रुपए का मेरा काम है, जिसमें से मेरे को 2 चक्कर मेरे लग गए हैं गुड़गांव के, ठीक है। तो 2 चक्कर मेरे लगे हैं गुड़गांव के, तो 300 का मेरा टोल हो गया है, 1 स्टेट टैक्स हो गया है, तो 2 MCD हो गए दोस्तों। तो 2 MCD, 1 स्टेट टैक्स, 1 स्टेट टैक्स इसने मेरा खा लिया है क्योंकि एक ही बार देता है सिर्फ। तो 300 कुछ का काम है और 1900 का ये काम है। और दोस्तों एक है ऑफलाइन बुकिंग 500 रुपए की मेरी, ठीक है। तो 500 रुपए की एक ऑफलाइन की बुकिंग है मेरी, और 1900 और प्लस 300 2200 प्लस 500 2700 रुपए। तो दोस्तों 2700 रुपए का काम है, जिसमें मेरी CNG टोटल अभी गाड़ी चली है 279.7 किलोमीटर। तो 280 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। सुबह मैंने CNG फिल कराई थी, तकरीबन आपका 371 रुपए की डलवाई थी, और उसके बाद अभी दिन में मैंने डलवाई थी 505 रुपए की। तो 371, 505, 876 रुपए। तो 876 रुपए की CNG ये हो गई है, और इसमें ऑलरेडी पहले की थी, तो तकरीबन 200 रुपए तक की मेरी पहले की थी CNG। तो तकरीबन आप मान के चलिए 1100 रुपए तक की CNG थी, 1100 में जो मेरे पास अभी पड़ी है, 400 रुपए तक की CNG मेरे पास पड़ी है। तो 400 की CNG पड़ी है, तो तकरीबन 600 रुपए तक की आप राउंड फिगर मान के चलिए 600 रुपए की CNG पूरी पूरी कंज्यूम हो गई, क्योंकि CNG अब ज्यादा लगने स्टार्ट हो गई है, क्योंकि AC की भी डिमांड दोस्तों बढ़ गई है, 1-2 ट्रिप्स में AC चालू हो रहा है। तो 600 की CNG लग गई है और 2700 का काम है, तो बचेंगे कितने, 2100 रुपए। 2100 में से 300 रुपए निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसने, 100 रुपए का पेट्रोल, तो बचेंगे कितने, 1800 रुपए। तो दोस्तों 1800 रुपए आज की नेट इनकम है, इसमें किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़ेगी, और ड्राइवर हायर किया है तो उसकी सैलरी निकालने के बाद ही आपकी नेट अर्निंग आएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर जरूर करना, चैनल पे खुश आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। जितना आप शेयर करते हो हेल्प मिलती है मुझे, और मेरी वीडियो आगे जाती है तो अच्छा लगता है, और भी भाइयों के पास नॉलेज पहुंचती है, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी वीडियो में ओरिजिनल कंटेंट ही दिखाता हूं, जो चीज होती है विद प्रूफ, ठीक है, और कुछ नहीं। बस ऐसा नहीं है कि बस इतनी कमाई उतनी कमाई, ये नहीं है भैया। कमाई के साथ साथ खर्चे भी दिखाने पड़ते हैं, कमाई तो सब करते हैं बट उसके साथ जो खर्चे होते हैं वो भी तो दिखाओ, वो नहीं दिखाओगे तो कैसे पता चलेगा कि नेट अर्निंग भाई के पास कितने की आ रही है। तो दोस्तों ये सब चीजें सिर्फ आपको मेरी वीडियो में दिखेगी, और कोई इतना फालतू का टंटा लेता नहीं है। बस आपको पता है कि जितना इंसान झूठ बोलता है उतनी वो क्या कहते हैं, झूठ के वो नहीं होते, तो अपना ये सच के रास्ते पे चलते हैं, तो जो होता है एक्चुअल में बताते हैं, सच बताते हैं, इसीलिए चलिए कोई नहीं दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहाँ पे एंड, और बातें होती रहती है। और अभी मैं पहुंच गया हूँ घर के पास में, जस्ट यहाँ मेरे घर के पास में बालाजी पार्क है, बस उसके पास ही खड़ा हूँ। और टाइम दोस्तों बहुत हो गया, सुबह निकला था तकरीबन 7 बजे, अब 9 बज गए, 12 से 13-14 घंटे हो गए, 14 घंटे में ये काम निकल के आया है। तो जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा, जितना मतलब कहावत है ना, जितने चीनी डालोगे उतना गुड़ मीठा होगा, तो वही चीज है, जितनी मेहनत करोगे उतनी आपको उसका फल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे, तब तक के लिए बाय बाय।